नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। मुफ्त शिक्षा उन्नयन केंद्र मिशन 2030 बिहार की शिक्षा दर 95% पहुंचाने का लक्ष्य को लेकर बिहार राज्य के अलग अलग पंचायतों में यह मुफ्त शिक्षा उन्नयन केंद्र खोला जाएगा। इसके संस्थापक कुमार मुरारी भारद्वाज, संचालक संतोष राय ने बछवाड़ा प्रखंड के चमथा 3 गोपालपुर के वार्ड संख्या 10 में मुफ्त शिक्षा उन्नयन केंद्र का उद्घाटन किया गया। प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश कुमार शर्मा, मुखिया प्रतिनिधि शिव नारायण राउत, पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार राय, रोशन बाबू, प्रवीण पाल, विनोद कुमार राय, सुनील कुमार राय, सनातन राय, महावीर राय, सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। बछवाड़ा से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। आगे रोशन चला आगे रुक घर से भी अभी घर घर से बोल कर बच्चा सब ठीक है नहीं तो नहीं घर आइए ना बच्चा उधर रहेगा अरे नजदीक से वीडियो बनाएं आज चमथा 3 10 नंबर वार्ड गोपालपुर गांव में संतोष और महावीर चा के दरवाजा पर ये सहयोग करके ये जिला से बात करके ये शिक्षा अभियान शिक्षा के सवाल पर ये बच्चा को जागरूक करने में ये सफलता आया है। इस गांव के लोग को भी हम सब को तमाम गार्जियन को भी इसमें लग के और आगे बढ़ के इस संस्था को बढ़ाना चाहिए। तमाम जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, इससे कैफला ये बढ़े। ये तो कैफला कुछ दिन पहले भी हम लोग 2001 से पहले भी चलाना शुरू किए थे। तमाम विद्यालय में अपने गांव के जो पढ़े लिखे टीचर थे वो अपने सहयोग दिए थे। हमारे गांव के लोग 5-5 रुपया भी दे के सहयोग किए थे तमाम विद्यालय में। उसका ही देन था कि आज हमारे पंचायत के अंदर में इतना विद्यालय में टीचर का संख्या बढ़ गया था और बच्चा का उत्साहित करके और गार्जियन को उत्साहित करके ये शिक्षा का जागरूक किया गया था। इसी सवाल पर आज चमथा 3 में 4 वो विद्यालय मिडिल स्कूल हो गया है, 4 वो नंबर चक्की, गोपालपुर, चिरैया टोक और एक हमारे 10 नंबर वार्ड में प्राथमिक विद्यालय, 5 वो विद्यालय हो चुका है। और अभी हमारे पंचायत में एक हाई स्कूल भी चिरैया टोक को स्वीकृति मिल गया है। इसी ये जागरूक चलते रहेगा तो हमारे विद्यालय पंचायत में 8 विद्यालय की संख्या बढ़ेगा, टीचर की संख्या बढ़ेगा। इसको हम तमाम अभिभावक से भी आग्रह और विनती करते हैं, इस कैफला को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी कहते हुए अपना बात समाप्त कर ये अभी हम लोग जो मुफ्त सेवा केंद्र के उद्घाटन किए हैं ब्यूटीफुल ब्यूटी ब्यूटी नहीं
दस अंदर से अभी हम लोग जो मुफ्त सेवा केंद्र के उद्घाटन किए हैं ग्राम पंचायत कमथा 3 के 10 नंबर वार्ड में, पर हम तमाम ग्राम वासियों के सहयोग रहे कि जो हम तमाम जनप्रतिनिधि या समाज मिल कर के जो मुफ्त केंद्र चलाने का आयोजन किया, इस पर सब लोग निगाह दे करके ध्यान दीजिए कि ये जो हम लोग शुरू किए ये बंद नहीं होना चाहिए, इस पर हम लोग ध्यान दे करके पहल करके इसको चलाने का काम करेंगे और इसका टाइम निर्धारित कर दिया जाए कि सरकारी स्कूल जब चलती है तो जब 10 बजे से है तो हम लोग इसको मॉर्निंग में ले लेते हैं, स्कूल जब मॉर्निंग में होगा तब इसको हम फिर लोग हम लोग टाइम बढ़ा करके ताकि उस स्कूल में भी बच्चे चले जाए या यहाँ भी पढ़ लें, तो यही सब है और तमाम गार्जियन के सहयोग रहना चाहिए कि अपने अपने बच्चा को ध्यान दे करके जब सरकार चाह रही है इतना पढ़ाने के लिए स्कूल केंद्र में दे रही है तो और ई भी चला रहे हैं तो इस पर ध्यान रहे कि हम लोग अच्छा से बच्चे लोग के पढ़ा लिखा कर आगे विकास की ओर तक भेजने के काम करें और तमाम बच्चा लोग भी आप लोग भी ध्यान दीजिए कि टाइम से स्कूल चले आइए, यहाँ 6 बजे से कई बजे दिए हैं संतोष जी, 8 बजे तक 6 से 8 आइए, इस बात के साथ अपना बात खत्म कर रहा हूँ। रजिस्टर ये है ऊपर बाद में वो अटेंडेंस बने अनीश कुमार मंटोसरा ठीक है जो नामांकन पटोल अभी ना सुबह शाम सुबह ना चुपचाप कर लिया जाए।